हेलो जनाब, वेलकम बैक टू माय वीडियो का पार्ट टू में। सो पार्ट टू में आपने देखा होगा वो जस्ट ट्रैवल और फर्स्ट डे का व्लॉग था, इंक्लूडिंग बारबेक्यू एंड कॉटेज व्यू। सो अभी जनाब नेक्स्ट फर्स्ट मॉर्निंग है हमारी, तो हमने डिसाइड किया कि एक वैली विलेज है वहाँ पे जाएंगे, जो यहाँ पे नॉर्थ डेवन में है और 30 मिनट ड्राइव पे है, जहाँ पे हमने कॉटेज बुक किया था नॉर्थ डेवन में। तो जनाब यहाँ पे हमने टिकट लिया फैमिली टिकट, तो उसके बाद जनाब यहाँ पे इंटरेस्ट है, ये वाली इंटरेस्ट है, तो टिकट लें तो उसके बाद आप इंटर हो सकते हैं क्लोवैली विलेज में। सो बहुत सारी जगह है, तो फॉलो करें मुझे, वीडियो को पूरा देखना है इस व्लॉग में। तो मिलते हैं आपको इन द विलेज। तो जनाब हम रवा दवा हैं वैली की तरफ ऑन द बीच साइड। अच्छा, मैं तो पहले समझा था कि ऐवें जो है ना बीच, जैसे बीच होते हैं फ्री होगा, लेकिन यहाँ पे तो प्रॉपर जनाब एक ही रास्ता है। तो वेलकम इंटरेस्ट है वहाँ पे करना है, और उसके बाद जाके आपने क्लो वैली विलेज देखना है। सो ये बहुत ही मोस्ट फेमस है नॉर्थ रेमन में, जस्ट नियर कॉर्न मॉल यू नो। आज बड़ा रश है, लेकिन ब्रिटिश वेदर का भी कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं। अभी पहले धूप निकली हुई थी, अभी देखें क्लाउडी हो गया है। सो थोड़ी सी वॉक लंबी हो रही है, हाफ एन आवर तो लग जाएंगे, लेकिन वापसी पे तो घंटा लगे ही लगे। तो अगर आपकी टांगें सही मजबूत हैं, आप सेहतमंद हैं, तो यहाँ पे आएँ। ये खूबसूरत जगह जो है ना ऐसे नहीं देखने को मिलती, तो कुछ ना कुछ आपको पाने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना पड़ता है। ये देखें जी, तो ये जनाब कोलवली विलेज स्टार्ट हो गया है, जो मेन अट्रैक्टिव पॉइंट है, जो मोस्ट फेमस एंड ब्यूटीफुल टाउन है। इस लुक लाइक यू नो इटली में जाए ना, तो वहाँ पे ऐसी स्ट्रीट्स होती हैं और ऐसा विलेजेस छोटे छोटे होते हैं, तो ये आपको फील लाइक इन यूरोप होगा, जैसे टर्की में। टर्की में भी ऐसे विलेजेस हैं, और मोस्टली फेमस जो है ना वो इटली में है। देखिए जी, मैं आपको जनाब जहाँ पे भी आप बैठे हैं, तो वहाँ पे आपको बैठे बिठाए मैं आपको इंग्लैंड की सैर करवा रहा हूँ। तो फिर लाइक सब्सक्राइब तो बनता है ना जी। वाओ, दिस पॉइंट इज अमेजिंग। ये जी रियलिटी है कोलवली विलेज की, इट इज़ अमेजिंग है, इज़ वर्थ इन। यहाँ पे जो है ना आप विजिट आपका वर्थ करते हैं इतनी दूर आने का, डेफिनेटली। ये जनाब यहाँ पे बंदे भी रहते हैं, आई थिंक हाउसेज हैं और कॉटेजेस हैं, ऑल टूरिस्ट अट्रैक्टिव और एरिया है। ये जनाब बीच व्यू है, जहाँ पे आके कोलवली विलेज एंड होता है। तो ये जो मेन बीच पॉइंट है इन कोलवली,
तो जनाब यहाँ तक पहुँचने में ना बड़ी हिम्मत चाहिए, लेकिन मैं आपके लिए जा रहा हूँ और आपको पूरे विलेज का विज़िट करवाना है। तो मेरा काम है आपके लिए अच्छी सी जगह ढूँढना और आपको गाइड करना। अगर आपको जगह अच्छी लगे तो डेफिनेटली आप आएँ, यहाँ पे बहुत ही अच्छी जगह है। सो दिस इज बोट सफारी, यहाँ से सीधा इंटर होगा बीच पे, लेकिन हम थोड़ा विजिट करते जाते हैं विलेज का। यहाँ से लग रहा है, फील हो रहा है किसी और कंट्री में आ गए। हम यहाँ पे चलते हैं, अभी देख लेते हैं यहाँ से भी। यहाँ पे वाटर भी बहुत क्लियर, नाइस एंड क्लीन वाटर है, देखें। मैं तो जनाब एंड पे आ गया हूँ टॉप पे, जगह तो देखनी पड़ती है। जो मेरे साथ वाले हैं ना वो थोड़े से लेजी बंदे हैं, उनको मैंने कहा आप ऊपर बैठे, वो जनाब ऊपर बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा मैं तो जनाब सारा विज़िट करके आऊँगा, क्योंकि मेरा काम ही है जी आपके लिए अच्छी अच्छी जगह ढूँढना, आपको गाइड करना और आपके लिए वीडियो बनाना। सो दिस इज़ मैन क्लोवले विलेज बीच साइड। वाटर बड़ा नाइस एंड क्लीन है, आज अगर यहाँ पे मौसम अच्छा होता ना, मैंने जंप करना था, गोरे तो नहा लेते हैं, हमसे नहीं होता। तो अभी हम वापस आ गया था, बहुत ज़्यादा हिल थी ना, लेकिन यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ के मैं लैंड रोवर में बैठ के, तो अभी हम टॉप पे जाएंगे। सो ठीक है, मैंने बाइक किया है तो ये हमें ऊपर तक छोड़ के आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉप है ना ऊपर, तो अभी ना हम बैठने लगे हैं। ओके थैंक यू, थोड़ी सी पकड़ वाली फीलिंग आ रही है, जैसे नहीं सुजुकी वगैरह चलती है पाकिस्तान में, तो बैठ गए, गाड़ी चल पड़ी है, अभी हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, मिलते हैं जनाब आपको ऊपर जाके। Oh.